वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज चंद्रवर्धन एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों, बिहार सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में हम लोग देख रहे थे, 3-4 वीडियो हम लोग देख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग आगे की योजनाओं के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिहार करंट अफेयर्स के तहत यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीपीएससी 67th बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है, इन सब में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो इन योजनाओं को जरूर ध्यान से देखिए। ये हमारे कुछ पेड ग्रुप के नंबर है जहां पर आप जुड़ सकते हैं हमारे पेड ग्रुप से और अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो जरूर जुड़िए। साथ में लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट जरूर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आप चैनल पर नए हैं, और बेल आइकॉन भी घंटी का एक निशान होगा उसको भी जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये हमारे प्रीवियस स्लाइड्स हैं जिनमें हम लोग विभिन्न योजनाओं के बारे में देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, प्यार का पौधा अभियान, स्वामित्व योजना, घर घर फाइबर योजना, ये सब हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में। ठीक है, और भी बहुत सारी योजनाएं देखेंगे। तो चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को अपनी महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के अंतर्गत तेलीहार पंचायत से की थी। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कहां से हुई? खगड़िया जिले से हुई। यह बहुत 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 महत्वपूर्ण योजना है, याद जरूर रखिएगा। और इस योजना में बिहार के 32 जिलों को शामिल किया गया है, 6 राज्यों के 116 जिले जो है इनमें शामिल है, जिसमें से 67 लाख मजदूर वापस हुए हैं। इन 116 जिलों में बिहार के 32, उत्तर प्रदेश के 31, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22, ओडिशा में 4 और झारखंड के 3 जिले शामिल है। मतलब कि आप सोच सकते हैं सबसे ज्यादा जिले कहाँ के शामिल किए गए हैं? बिहार के ही शामिल किए गए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया है और अब यह जो है सितंबर 2022 तक इसके जरिए निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इस योजना के तहत 125 दिनों का रोजगार देकर आधारभूत संरचना विकसित किया जाना था। ठीक है, और योजना के तहत विभिन्न 25 क्षेत्र पर विशेष फोकस है, मतलब 25 क्षेत्रों में लोगों को रोजगार दिया जाता है। जो भी बाहर से जो श्रमिक आए थे लॉकडाउन के दौरान, उनके लिए यह विशेष योजना चलाई गई थी ताकि उनको भोजन भी उपलब्ध कराया जाए मुफ्त में और साथ में काम के जरिए पैसा भी दिया जा सके। ठीक है, अब ये जो 25 क्षेत्र है इसमें सामुदायिक स्वच्छता कार्यक्रम है, ग्राम पंचायत भवन का निर्माण है, वित्त आयोग की अनुशंसा से मिली राशि के अंतर्गत विभिन्न कार्य है, राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य है, एनएच बनाने का काम, जल संरक्षण, कुआं निर्माण, पौधारोपण, बागवानी, कचरा प्रबंधन, तालाब खुदाई, पशु सेट, मुर्गी पालन और बाकी बहुत सारे काम है। तो ये सब जो है आप खुद से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। यह जो है 1 अप्रैल 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके जरिए जो है वरिष्ठ नागरिकों को एक अच्छा और फलदायी जीवन जीने में मदद करने के लिए इसको शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2019 को। और योजना के तहत 60 वर्ष और उससे अधिक के आयु के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। 60 से यदि 79 वर्ष उम्र है, 60 से लेकर 79 वर्ष उम्र है तो 400 रुपया दिया जाएगा और 79 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं तो उनको 500 रुपया प्रदान किया जाता है इसके जरिए। अब वरिष्ठ जन को इससे समान जनक जीवन जीने में मदद मिलती है, थोड़ी बहुत तो मदद जरूर मिल जाती है। इसके बाद है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2022, ये लेटेस्ट योजना है। बिहार सरकार द्वारा यही मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2022 में शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार राज्य में रहने वाले गरीब परिवारों की कन्याओं के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना के माध्यम से राज्य की कन्याओं को ग्रेजुएशन तक की शिक्षा पूर्ण करने के लिए 50,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, जो कि कन्याओं के जन्म से लेकर उनकी ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी करने तक मिलती रहती है। राज्य की 1.5 करोड़ कन्याएं इस योजना का लाभ ले सकेंगी और योजना के तहत परिवार की केवल 2 कन्याओं को ही लाभ मिलेगा। ठीक है, 2 से अधिक कन्या है तो लाभ नहीं मिलेगा, 2 बेटी है तो आपको लाभ मिल सकता है। योजना के तहत मिलने वाली किस्तों की सबसे पहली किस्त जो है वो कन्या के जन्म के समय माता पिता के अकाउंट में जाएगा। उसके बाद जब टीकाकरण कराएंगे उस समय माता पिता के अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। 1 से 2 वर्ष की आयु में पहले 400 रुपए की किस्त सरकार द्वारा दी जाती थी और अब यह जो है बढ़ा करके 600 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, 3 से 5 साल की हो जाएगी लड़की तब
उसमें पहले 500 रुपया की सहायता राशि दी जाती थी, लेकिन अब जो है यह 700 रुपया दिया जाएगा। मतलब 3 से 5 साल की उम्र में 700 रुपया दिया जाएगा, 6 से लेकर 8 साल की उम्र में 1000 रुपया दिया जाएगा, पहले यह 700 ही दिया जाता था। 9 से 12 साल की उम्र में पहले 1000 दिया जाता था, अब कितना दिया जाएगा, 1200 दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा अब कन्याओं की स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए भी प्रोत्साहन राशि अलग से प्रदान की जाएगी, और योजना के तहत कन्याओं को नैपकिन के लिए जो कि महावारी में काम आता है, नैपकिन के लिए मिलने वाली राशि में भी बढ़ावा कर दिया गया है। पहले जो है सैनिटरी नैपकिन के लिए 150 रुपये दिया जाता था, अब जो है इसको दोगुना कर दिया गया है, 300 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, अविवाहित कन्याएं ही योजना के तहत आवेदन कर सकती है, याद रखिएगा। इस योजना के तहत केवल राज्य की कन्याओं को ही लाभ प्रदान किया जाएगा, किसी दूसरे राज्य की लड़कियों को लाभ नहीं मिलेगा। और योजना के लिए सरकार जो है 300 करोड़ के बजट को तय किया गया है सरकार के द्वारा इस योजना के लिए। कन्या उत्थान योजना शुरू होने से राज्य की स्त्री शिक्षा में बढ़ावा होगा, साथ ही यह कम उम्र में होने वाली शादी को रोकने का भी कारण बनेगा, और बेटियों का खर्च उठाने से बचने के लिए कई लोगों के द्वारा जो कन्या भ्रूण की हत्या कर दी जाती है तो उसमें भी रोक लग सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इसके तहत जो है आपका सिविल सेवा निकालने पर, मतलब संघ लोक सेवा आयोग का परीक्षा जो हो गया, यूपीएससी का परीक्षा हो गया, या फिर राज्य सेवा आयोग हो गया, बीपीएससी हो गया, ये सब निकालने पर जो है कुछ प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, 2021 में जो लोग पास किए हैं यूपीएससी या फिर बीपीएससी, उन लोगों को दिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो है प्रोत्साहन राशि जो होगी वो कुल 1 लाख रुपये होगी, यदि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग, अनुसूचित अत्यंत पिछड़े वर्ग के अस्थायी निवासी जो है वो सिविल सेवा पास करते हैं, यूपीएससी की परीक्षा पास करते हैं, तो 1 लाख रुपए जो है उनको दिया जाएगा। ठीक है, सरकार द्वारा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ सामान्य एवं पिछड़े वर्ग की बेटियों और अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों को भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो लड़कियां हैं वो किसी भी वर्ग की हों उनको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, स्टेट सिविल सेवा यदि निकालती है, मतलब बीपीएससी निकालेंगी, तो 50,000 रुपया दिया जाएगा, मतलब लड़कियों को तो सबको, सामान्य है तब भी, जनरल है तब भी, और लड़कों की बात करें तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, लड़के हैं, या फिर जो एससी एसटी हैं उनको। ठीक है, तो यह जो है 50,000 रुपया और 1 लाख रुपया दिया जाएगा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत। ठीक है, अब है सतत जीविकोपार्जन योजना। बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है, अधिक गरीब परिवारों की सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना है। जो लोग देसी शराब और तारी के, जैसे शराब बंदी हुआ ना, तो देसी शराब और तारी का उत्पादन जो लोग करते थे या फिर बिक्री करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, तो उन्हीं को सरकार जो है वो 60,000 से लेकर 1 लाख रुपया तक का वित्तीय सहायता देती है, ताकि वो लोग जो है किसी दूसरे रोजगार के जरिए अपना धनोपार्जन कर सके। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको कहा जाता है सतत जीविकोपार्जन योजना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। यह जो है 2007-08 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को शुरू किया गया था, समाज कल्याण विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाता है, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और इसके माध्यम से बेटियों की शादी कराई जा सकती है। साल 2012 में कन्या विवाह योजना को लोक सेवा के अधिकार के एक्ट में भी शामिल कर लिया गया था। ठीक है, इसको इंक्लूड कर लिया गया राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट में। ठीक है, लोगों को, लोग जो कि पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं और उन्हें बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं, गरीबी रेखा से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें सरकार जो है बेटियों की शादी कराने के लिए 5,000 रुपए की अनुदान राशि प्रदान करती है। ठीक है, योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की आयु जो है वो 18 वर्ष से लेकर 20 साल तक होनी चाहिए और लड़का का उम्र जो है वो 21 साल होना चाहिए। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। ठीक, चलिए, नेक्स्ट जो भी आपके हैं, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं बिहार सरकार की जिनके बारे में पढ़ना जरूरी है, तो वो सब भी आगे हम लोग देखेंगे विभिन्न सीरीज में। फिलहाल मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। वीडियो कैसा लग रहा है, आपको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। ठीक है, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, जनगणना है, ये सब मैं दे चुका हूं पहले, तो वो सब वीडियो जाकर के जरूर से जरूर देखिए। ठीक है, चलिए, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।